ये हॉरर हाउस में कुछ खास मिला नहीं यार। पर चलो खैर जो भी है, हम लोग तो आज जाएंगे साइकिल वाले बंदे को बचाएंगे यार। साइकिल वाले बंदे से हमें मस्त वाली एक साइकिल मिल जाएगी। ये इस हरामी की गैंग ने पकड़ रखा है, इनको तो छोड़ेंगे नहीं बाद में तो। अरे 7-8 बैच कलेक्ट करने दो आराम से, अच्छे अच्छे लेवल के पोकन हो जाएंगे ना, तब देखते हैं इनको। तो हम यार पता है मेरे को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कि मैं किसी से तो बहुत गंदा पिटूंगा। मेरे पोकन इतने कम लेवल के हैं ना अभी यार, कि भाई बहुत डर लगता है यार। पर देखते हैं, हमारे पास आर्टिकूनो है भाई, आर्टिकूनो तो लेजेंडरी पोकेमोन। बट हाँ यार फिर भी डर तो लगता ही है। वो यहाँ पे एक पोकल पड़ी हुई है, ओके इट्स गुड दैट आई सॉ दैट। पहले मैं जाके पोकल लूंगा भाई। साइकिल वाइकिल तो यार मिलती रहती है यार, पोकेबॉल इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। पोकेबॉल से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। ए यार मेरे को नहीं जाना था यार, ये कितने गंदे लोग हैं यार सच में। हाँ जल्दी जल्दी तू बता यार कौन है तू। हेलो इट इज मी। अच्छा लुकर है ये, ओ लॉल। हे लुकर कैसे हो आप, मतलब मैं तो पहचान ही नहीं यार आपको, एकदम अलग लग रहे हो आप तो। आई हैव स्टार्टल्ड यू। यस नहीं नहीं नहीं, अरे आपने स्टार्टल कहाँ किया है, मैं तो आपको मार देता अभी यार नहीं बताते तो। आई एम आफ्टर ऑल एन ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल पुलिस, इट इज ओनली नेचुरल दैट आई बी अ मास्टर ऑफ डिसगाइज। बात तो एकदम सही है आपकी, मुझे ही बताओ मैं भी थोड़ी। अरे अब इनके सामने कपड़े उतार दिए आपने यार, अब आई मीन कपड़े चेंज कर दिए उतारे तो लिए। आई मीन मतलब यार इनको पता चल जाएगा ना यार कि आप कौन हो, ऐसा थोड़ी ना करते हैं यार। अब डिटेक्टिव वो डिटेक्टिव की तरह रहो यार। ऑल्सो वर्ड ऑफ एडवाइस, दिस बिल्डिंग इट हैज 2 स्टेयर्स, वन ऑफ देम अ ट्रैप इट मस्ट बी। ओ तो एक स्टेयर पर ट्रैप हो सकता है। बट द क्रूक्स ऑफ टीम गैलेक्टिक दे डू नॉट अपियर, हाउ शैल आई सी स्मार्ट, देयर शुड बी एन ईजी वे टू टेल द स्टेयर्स अपार्ट। अच्छा ओके अगर आप बोलते हो तो होगा भाई कोई ईजी वे जिससे हम स्टेयर से पता लगा पाए कि कौन से असली कौन से नकली हैं। तो देखो ये वाले स्टेयर्स हैं, इनको कोई गार्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नकली हैं। ये वाले स्टेयर्स हैं ये असली होंगे, क्योंकि इनको ये लोग गार्ड कर रहे हैं और इनको पता है कि कोई इनको अगर चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। सो आई एम गोना स्ट्रेट अप गो टू दो स्टेयर्स आफ्टर टॉकिंग टू दिस गाय। साइकिल वाले को इधर ही पकड़ रखा है भाई, अभी बात कर रहे थे लोग साइकिल वाले की। आ जाओ पप्पुओं, तुमको तो अभी अपन झेल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा, ऐसे ही हार गया भाई, एक लड़के से दो लड़के हार गए यार, क्या ही गुंडा बनोगे तुम लोग। अभी देखने का रे, अपन जाएगा ना सीढ़ियों से ऊपर तो अपन बताएगा गुंडा कैसे बनने का रे। अपने पास 4 पोके हो ना, फिर भी अपन गुंडा बन के दिखाएगा रे। ओ ये देखो भैया, अरे हम गलत सीढ़ी पे आ गए, हमने गलत लॉजिक लगा दिया रे, हम ही गुंडा नहीं बन पाए। गुंडा तो देखो हम एक तरह से हैं, बस हमारा थोड़ा दिमाग कम है ना, वो भी गुंडे की ही निशानी होती है वैसे, गुंडों के पास भी दिमाग कम ही होता है। कौन बात ना ही है, हम अभी जाएंगे दूसरी सीढ़ी पे। अब तुम देखो, अब हमें पता चल चुका है हमका उल्लू ना ही बना सकते तुम। ए ई कौन है, टीम गैलेक्टिक इज वर्किंग हार्ड टू फाइंड न्यू एनर्जी सोर्सेज फॉर द फ्यूचर। ओह इसको तुम वर्किंग हार्ड बोलते हो ते? ओ ओके 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 ओके, अरे ये तो फिर से आ गया रे। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, लेट अस मेक प्रोग्रेस टुगेदर टीम गैलेक्टिक, ओके। और वहाँ पर ऐसा कुछ नोट नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है। वी आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन न्यू एनर्जी फॉर्म्स, ओके। और ये लड़की क्या बोल रही है, लेट्स सी हाउ गुड दिस इज, दिस पोकन इज, आई स्टोल फ्रॉम सम वीक ट्रेनर। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ये लड़की बैटल कर रही वहाँ पर नहीं कर रही थी, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं, पता नहीं क्या सीख सकते हैं। मैं तो गुंडा हूँ, मेरे पास दिमाग है नहीं, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ मैं इधर साइड जाऊँ और एक बार देखूँ। ओ या बॉय, देखा इतना दिमाग होना चाहिए भाई किसी भी गुंडे में। ए लड़के, ऑनरी पीपल लाइक यू कांट अंडरस्टैंड टीम गैलेक्टिक्स ग्रैंड डिजाइंस, कम टू थिंक ऑफ इट आई डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ओ लॉल, ये भाई असली गुंडे की निशानी होती है, जिनको पता ही नहीं उनके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। Our mission is to implement our operations without question. It is all for the new world order that our boss will lead. अच्छा बेटा, आइसन भाई इसको पता है क्या चल रहा है। यहीं चलते हैं फिर तो, समझदार लोग हैं इस साइड में। अरे नहीं हम तो गलत आ गए रे, हम तो बहुत ज़्यादा गलत आ गए। पर यहाँ पे पोकेबॉल रखी है जो कि अच्छी बात है भाई। मैक्स रिवाइव योगी ना कुछ बात, काम आएगा भाई काम आएगा। ये आ गए भाई हम सही रास्ते पे एकदम। और इनका ये कैप्टन वैप्टन कुछ लड़की है, इससे मैं शायद बात करनी है। ए ये टकला है क्या साइकिल वाला, व्हाट इज इट विद दिस टीम गैलेक्टिक, व्हाई डिड दे टेक आवर पोकेमॉन, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अकम्प्लिश, दैट इज व्हाट आई एम हियर टू आस्क देम फॉर।
ब्ला 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 ओके नेट बॉल फाउंड दैट्स व्हाट मैटर्स नॉट माय इंग्लिश हाउ सिली ऑफ मी टू इवन आस्क यू यू वांट टू फ्री द पोकेमॉन आई जुपिटर विल डील विथ यू अच्छा आजा भैया जुपिटर या बहना या जो जो भी है तू बहना ओके व्हाई नॉट माय गुडनेस ट्रेप यू ऑन ब्रो वेल दैट्स नॉट फेयर हम लोग ट्राई करते हैं पाउडर स्नो मुझे आर्टिकुनो के अलावा किसी को यूज़ करना चाहिए मैं बहुत टाइम से आर्टिकुनो को यूज़ कर रहा हूँ यार बेचारी बाकी जो हमारे पोकन है ना वो ये सोचेंगे साले को बस लेजेंडरी पोकन अच्छे लगते हैं बाकी कुछ अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है भाई बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है लेट अस स्विच आवर पोकेमॉन लेट अस टेक आउट राइडॉन ही माइट हेल्प अस अ बिट कम ऑन राइडॉन क्या बोलता है फाइटिंग टाइप ट्राई करेंगे वैसे तो कुछ होगा ही नहीं फाइटिंग टाइप से वही मेरे को लगा ही था Why not Ombreon? Ombreon के पास काफ़ी अच्छे movesets हैं Maybe she can help us. अच्छे movesets से मेरा मतलब था sand attack, okay? वैसे रेत है तो नहीं यहाँ पर HQ में पर फिर भी काम कर गया अटैक विच इज़ awesome. Pokemon की यही तो बात है जो बहुत अच्छी लगती है भाई कोई भी अटैक कहीं पर भी काम कर जाता है फर्क नहीं पड़ता आखिरकार Drapion महाराज भाई मरे इतनी देर से हम ट्राई कर रहे थे वो पूछिया ना तो काफ़ी सिंपल है भाई पूछिया ना तो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा ये लो हम तो पहले ही बोले थे यार हमारी बात को तो मानता ही नहीं है ये लो ये दो पोकन थे इनके पास बस बोल ये गुंडे बनेंगे लोग ऐसे ऐसे बनोगे गुंडा तुम हैं ऐसे बनोगे वेल आंट यू टफ ऑफ कोर्स आई एम गर्ल ऑफ कोर्स आई एम इट्स ओके दो आवर ऑफिशियल पोकन स्टैचू इन्वेस्टिगेशन इज फिनिश्ड पोकन स्टैचू इन्वेस्टिगेशन सो व्हाई यू डूइंग दैट इन दिस बिल्डिंग अच्छा वो लोग वो स्टैचू इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो बाहर लेजेंडरी के लगा शायद से Mars has collected energy from the Valley Windworks. We are pretty much finished here. I'll let you in on one little thing. A boss is researching the myths of ancient Pokemon. With the power of mythical Pokemon, he will become the ruler of Sinnoh. I suggest you keep out of Team Galactic's affair from now on. This is your last warning. यार देखो जो जीतता है ना वो उसको लास्ट वार्निंग देनी चाहिए वैसे मैं तुम्हें रूल समझा रहा था बस ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बट जो जीतता है वो देता है लास्ट वार्निंग I got my Clefairy back and it's all thanks to you. But that Team Galactic, they said Clefairy came from space. Hand it over. Okay, wait, what? Clefairy came from space? वैसे बात तो सही है Clefairy और Moon को कुछ वो करते हैं ना जोड़ते हैं ना तो ये आई थिंक Clefairy came from space then. The logic baffles me still. It's like they are from space. शायद से मेरे ख्याल से लाइक सीजन वन में ही था यार ये स्पेस वाली बात Clefairy की बात जो थी सीजन वन में ही तो थी कुछ 15 या 20 एपिसोड के अंदर अंदर की बात है ये एक बहुत बड़ा सा मूनस्टोन रहता है उसके पास नाचती है क्लफेरीज एज फार एज आई रिमेंबर अगर मैं सही हूँ तो तुम बताना अगर गलत हूँ तो भी बताना कमेंट्स में कि कौन सा एपिसोड था वो अगर तुम्हें याद है तो एनीवे दे कौन नाउ थैंक यू वेरी मच मगर मच ब्रो आई कांट थैंक यू इनफ राइट नाउ बट क्रूज बाय माय साइकिल शॉप ओके सच बताऊँ तो मैंने तुझे बस उसी चीज़ के लिए बचाया है भाई जिससे मुझे फ्री की साइकिल मिल सके ओ भाई मेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी यार चलो भैया अब हम चैन से ज़िंदगी जी सकते हैं साइकिल वाइकिल चला सकते हैं वैसे ई करने से पहले हम जरा पोके बॉल ले लें साइड में जो पड़ी है ले लेते हैं वरना भूल जाते हैं भाई हम हमेशा और यहाँ से फिर हमें कहाँ जाना है सीधा पिछले वाली सिटी में जाना है क्या जहाँ पर साइकिल चाहिए पड़ रही थी या फिर हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से कहीं पर वी हैव टू सी अबाउट दैट ऑफकोर्स We have a long way to go. Cycle shop, here I come, bro. Hey, Cynthia, come on, यार. Cycle shopping के लिए जा रहा हूँ मैं यार. तू अपने कपड़े खरीदने कहीं और जाना यार. यहाँ पर टायर पहनेगी क्या गले में अपने? Oh, there you are. I was looking for you. I've got something nice. Oh, sorry for talking bad to you. Pokemon egg. Nice. किसका अंडा चुरा के लाई है तू? हाँ? किसी का तो अंडा चुराया भाई इसने क्योंकि इसका तो पोकन है नहीं जो अंडे दे सके. इसका से गारचोंप है. But I don't know if it is male or female, so yeah, let's not make a comment about that. The Pokemon inside the egg is happy too. I'm sure of it. अभी तो निकला भी नहीं है बच्चा यार ऐसी बता दी तूने कुछ भी है चल यार सिंथिया थैंक यू फॉर द एग जो भी है हम लोग इसका ख्याल रखने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे अरे वैसे रैंडमाइज हो जाएगा ना यार एग तो अगर कोई बेकार सा ये निकलने वाला को टोगोपी वोपोकी भी निकलेगी तो फिर पोपोकी क्या बोला अभी मैं टोपी पता नहीं भाई मेरा फंबल हो जाता है पर अगर टोके भी निकलेगी तो उसको रैंडमाइज होकर कुछ और बन जाएगा वो तो देखते हैं मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा पोकन निकल सकता है हमारे लिए या फिर बहुत ही बेकार निकल सकता है तो वी हैव टू सी अबाउट दैट चलो बॉयज हमें बाइसिकल मिल चुकी है टकलू अंकल से अब तो यार हम आराम से वैसे एग हैच कर सकते हैं ना ओके व्हाई नॉट डू इट ब्रो
अगर मैं यहाँ पे जाऊँ किसी और मोड में इसके, या अब मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं किसी ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ से फिर मैं रीसेट कर दूंगा इस अंडे को, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हम कितना पहुँच पाते, मतलब इसको हैच आच कर पाते कि नहीं। ए ए लड़के, ओ वाह, यू गॉट अ बाइसिकल, यू कैन राइड डाउन साइकिलिंग रोड एंड एंड अप इन हर टोम सिटी, ओके, इट्स अ फास्ट एंड फन राइड, यू शुड चेक इट आउट। ठीक है भैया, तुम हमें मतलब यहाँ पर परेशान करोगे, तो एक काम करते हैं, इधर चलाते हैं अपनी बाइसिकल, देखते हैं भाई। ठीक है, बाइसिकल निकाली जाए भैया। वेयर इज माई बाइसिकल? बाइसिकल को हम एक काम करते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, जिससे बार बार यहाँ पर ना आना पड़े। लेट्स चालू इट, एंड अब चालू करते हैं भाई हम अपना काउंटर। ठीक है, चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ऐसे साइकिल से ऊपर नीचे जाने वाला हूँ, और देखते हैं कब तक ये अंडा फूटता है, जब अंडा फूटेगा तो बताता हूँ तुम्हें। ओके, फाइनली हो गया। 5000 कुछ थे ना, 5300 या कुछ स्टेप्स लगे, तो कुछ अच्छा निकलने वाला मुझे लग रहा है। स्किप लूम, पर ये शाइनी है क्या? इट्स नॉट शाइनी, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन इट लुक्ड शाइनी, मेरे को अभी भी शाइनी लग रही है। ओके, हैव टू सी यार, मेरे को अभी भी शाइनी लग रही है, बट आई सर्टनली डोंट नीड इट, मेरे को अच्छा नहीं लगते भाई ये ग्रास या बग टाइप पोकेमॉन, बग नहीं है मतलब ग्रास टाइप पोकेमॉन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं इतने, सो या आई डोंट लाइक फील लाइक कीपिंग हिम नाउ, बट या फिर भी ठीक है, अच्छी बात है। टाइम बहुत लगता है स्किप लूम को यार एक में से निकलने में, हैच होने में, लाइक ऑलमोस्ट 5200 स्टेप्स लगे इसको हैच करने के लिए, विच इज़ वियर्ड ब्रो, इट्स अ लॉट मैन, इट्स अ लॉट। चलो फिर हम एक काम करते हैं ना, हम फिर इधर साइड ही चलते हैं फिर, तो कि कहाँ जाएं, चलते हैं इधर ही फिर। कौन सा वे है? और डिनेस्टी हिस्टोरिकल लिविंग, ये तो इसके बारे में दिया हुआ है, रूट 211, तो हम यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं अगली सिटी हार्तूम सिटी आने वाली है शायद से, वो बंदा एक बोल तो रहा था। ब्रो ट्रपिंच इज क्वाइट गुड एक्चुअली, ट्रपिंच में पकड़ूँ क्या? ट्रपिंच हमारे काफ़ी काम आ सकता है, मतलब फ्लाइगॉन हमारे काफ़ी काम आ सकता है यार, ड्रैगन और ग्राउंड टाइप ब्रो, इट विल बी नाइस। एक्चुअली छोड़ो यार, हमने वैसे भी काफ़ी बार ट्रपिंच को यूज़ किया, इस बार नहीं कर रहा यार, और मैं भूल गया, पर अरे हाँ यार मैं भूल गया था कि तुम अपने पोकन को डायरेक्टली यहाँ से अपने पीसी में सेटअप नहीं कर सकते अपने बैग से, जो कि तुम नए गेम्स में कर सकते हो, तो इसलिए मैं भूल गया था, बट आई गो टू द पोकन सेंटर डू इट लेटर। यार ये वाला माउंटेन यार वो वाला तो नहीं है जहाँ पर लाइक लास्ट में बॉस बैटल होती है और लेजेंडरीज भी मिलते हैं? आई गेस वही वाली जगह है यार, ये लग रहा है ऐसा, माउंट कॉर्नेटो, और माउंट कॉर्नेट, सॉरी कॉर्नेटो नहीं, माउंट कॉर्नेट, यही वाला माउंटेन है भाई, यही वाला माउंटेन है। अभी हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ है देखो अभी मिला नहीं है ना, तो ये वाला हम रॉक पुश नहीं कर सकते, वरना हम जाके वो पोकेबॉल भी ले पाते। ओके गाइस, यहाँ पर ये जो लड़की खड़ी है ना, ये मुझे बता रही है कि मैंने एक चीज़ लेना भूल गया हूँ, स्टार्टर किट या एक्सप्लोरर किट करके कुछ तो है, जो कि पोकन सेंटर में कोई हमें बंदा दे रहा है, शायद से यही होना चाहिए वो। आई गॉट माई पोकन बैक, आई एम सो हैप्पी, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। फ्रेंडशिप चेकर ऑप्टेन द पोके से, ओके फ्रेंडशिप चेकर हमें मिला है अपने पोके स्केच में, देखें जरा क्या है, ये है क्या? आई गेस इट इज दिस, आई डोंट नो इसे फ्रेंडशिप कैसे चेक करे हुए तुम। ओके वेल, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट ओके फाइन, देख लेंगे भाई बाद में। नेक्स्ट डोर टू द पोके सेंटर, ओके मैं पोके सेंटर में जा रहा था, तो इस घर में होना चाहिए कोई बंदा। अरे एक्सप्लोरर किट वही वाली होती है क्या जिससे हम मतलब खुदाई करके नीचे जा सकते हैं जमीन के? शायद वही होता है यार, या ओके तो हम लोग अब नीचे भी जाके देख सकते हैं कि भाई अंडरग्राउंड क्या चीज़ें हैं। बड़ी अजीब सी चीज़ थी ये, बट आई स्टिल लाइक इट यार, मतलब इस गेम के बाद ये लोगों ने फिर से इम्प्लीमेंट नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जा रहा था और उस टाइम पर लोगों को समझ में नहीं आया इसके बारे में, बट फिर भी वी आर गोना ट्राई इट फॉर फॉर द सेक ऑफ इट। एक सेकंड, यहाँ पे सेव होता है क्या? ओके, अंडरग्राउंड वैसे बहुत बड़ा पता है कनेक्शन टाइप का रहता है, और तुम्हें जेम्स मिलती हैं, आई रिमेम्बर कुछ जेम्स टाइप का मिलता था, रेड जेम, ब्लू जेम, ऐसी टाइप की चीज़ें रहती थी। ओ यस, हम लोग भाई आ गए यहाँ पे, और इतना बड़ा मैप है यार इस चीज़ का सच में। रोर यहाँ पर खड़ा हुआ है भाई, हे ऋषभ, इज दिस मे बी योर फर्स्ट टाइम हेयर, वेलकम टू सिनोज अंडरग्राउंड, वेर इज दिस यू आस्क, Doesn't the radar make it obvious? Yeah, I guess it makes it obvious. There is a giant underground network of passages underneath Sinnoh. What am I doing down in this expanse of place? That's kind of hard to answer. तो ये कुछ नहीं कर रहा भाई, ये मेरे ख्याल से बस ऐसे ये stones ढूंढने आता है जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे।
तो हम भी थोड़ा देखने वाले हैं कि यहाँ पर आखिर है क्या। अगर एक दो स्टोन्स हम लोग मतलब जेम्स वगैरह हम लोग निकाल पाए यहाँ से, यार हमें अपनी बाइक नहीं निकाल पा रहे यार, दैट इज़ काइंड ऑफ अ बमर ब्रो। अगर निकाल पाते तो जल्दी जल्दी एक्सेस हो पाता। ओ देखो देखो मैप देखो मैप देखो। ओके तो मैप में कुछ तो भी शाइन हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रेजर होगा। तो हम लोग वहाँ पर जाके देखते हैं एक बार, क्या पता कुछ हमें मिल जाए। एक साइड है वहाँ पे, तो वो राइट साइड है ना, वहाँ पे तीन तीन ट्रेजर्स एक साथ दिख रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं। ओ देयर इज अ थिंग राइट हेयर। ओके ओ नाइस नाइस ब्रो, द वॉल इज बल्जिंग स्लाइटली, येस ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू डिग इट। समथिंग पिंड इन द वॉल 3 कन्फर्म्ड। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? ओ देयर इज अ नोट टग्ड इन साइड द एक्सप्लोरर किट। Digging for treasure and spheres. I have put a sledgehammer and pickaxe in your explorer kit. Use them and you'll be able to touch walls to dig out all sorts of stuff. I'm sure you can dig them out before the wall comes tumbling down. You can do it. Good luck, youngster. तो हम लोग अगर इसको यूज करें, अरे ये तो थोड़ा वैसा लग रहा है यार, माइंड स्वीपर जैसा लग रहा है ये तो। लॉल लॉल ब्रो, चलो इसको निकालते हैं। अरे ओके, तो हमें ये पूरे क्रैक होने से पहले वो नोट को ढूंढना। ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया, नाइस नाइस ब्रो। और भी कुछ है क्या यहाँ पे? एक और मिला, दो हमें मिल गए भाई। अरे यार चलो कोई बात नहीं यार, दो हमें जेम्स तो मिल ही गए, दैट इज काइंड ऑफ एक्साइटिंग एक्चुअली। हमें कुछ ट्रेजर व्रेजर मिल जाता है। और भी कुछ है क्या इधर? आई गेस मोर ऑन दिस साइड, यहाँ पर कुछ होना चाहिए। नहीं ओके अंकल जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यू हैव गॉट स्फीयर्स और टू, इफ यू डू आई विल ट्रेड यू समथिंग। अरे क्या बात है, प्रिटी सिंक, लैविश फ्लावर्स, पोके टेबल, टर्टविक डॉल, ग्रीन बाइक। अरे ग्रीन बाइक क्या बात है भाई, पर हमें अभी चाहिए नहीं। चलो अभी हम लोग ट्राई करते थोड़ा सा और ट्रेजर ढूंढने का। यहाँ पर पास में दिखा तो रहा है यार, मेरे को दिख नहीं रहा है पर है ओके यहाँ पर है, मुझे दिख रहा है कुछ। Of course, I would like to see boy. Okay. तो oh, shoots man. यहाँ पर थोड़ा देखते हैं बीच में। नहीं ओके यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर है, नाइस। लेट्स सी हेयर, नाइस नाइस, क्या बात है भाई, आई एम गेटिंग गुड एट दिस। ओ ये क्या मिला है, ये क्या मिला है? लाइक ऑलमोस्ट हमारी चीज़ टूटने वाली है, बट नो प्रॉब्लम। यार ये पूरा मैंने देख लिया था कि नहीं देखा था? चलो यार बहुत मस्ती कर ली, अभी हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं गाइस और स्टोरी को प्रोग्रेस करते हैं अपन। ओके तो वो डार्क रॉक जो मैं हिट कर रहा था वो एक्चुअली कुछ भी नहीं था यार, मुझे उनको हिट ही नहीं करना था, उनको हिट करूँगा तो और जल्दी जल्दी टूटेगा सामान। वो मैं इधर जा सकता हूँ, पहले मुझे रोक रहा था ये। ओके तो ये एक्सप्लोरर किट वाली चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी थी, मुझे लगा कि मुझे पूरा पीछे जाना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पर भी जा पा रहा हूँ, सो I can decide on two of the routes maybe. Okay, क्या हुआ? Cycling road is only for bicycles. Please get on your bicycle. अरे ये तो वो बंदा खड़ा है experience share वाला, वो experience share वाले, ये मतलब professor Rowan का assistant है, तो हमें experience share, I knew it bro. चलो यार अब काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा भाई हमारे लिए, क्योंकि मेरा एक Pokemon है जिसको मैं सही से train नहीं कर पा रहा हूँ, जो कि है मेरा Rhydon और Teelo actually. टीलू को भी थोड़ा बहुत ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं सही से, तो पहले टीलू को ही देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे। वैसे तो मैं चाह रहा था कि मैं टीलू को अंदर रख दूँ, पर अब ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे भाई। अभी इसको दे देते हैं हम लोग एक्सपीरियंस शेयर को। आर्टिकुनो को दे दिया क्या मैंने गलती से? एक्सपीरियंस शेयर, चलो यार हमें अभी तक वो नहीं मिला ना अपना एमुलेट कॉइन। यार एमुलेट कॉइन भी बहुत सही चीज़ है भाई। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं ज़रा कौन सा राउट है। 206 ओके, तो 206 पे ही चलते हैं फिर अभी हम लोग। यहाँ से जो सिटी आती है वहाँ पे जाके देखते हैं। यहाँ पे पता है एग्ज हैच करना ज़्यादा आसान रहेगा वैसे देखा जाए तो। ये चैलेंज बाय साइक्लिस्ट एक्सेल। अरे ब्रो तू कुछ नहीं कर पा रहा, अरे मेरा खचू नहीं कर पा रहा तू। चलो भाई बढ़िया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल रहा है टेलो को भी, 20 लेवल की हो चुकी है भाई हमारी टेलो। ओके वेट अ सेकेंड, ये वाली रोड है क्या जहाँ पर तुम कंट्रोल नहीं कर सकती साइकिल को, मतलब तुम्हारी साइकिल नीचे जाती रहती है, सो वाली रूट ही है ये, मतलब डाउन हिल है यहाँ पे। ओ या आई थिंक या दैट दिस इज दैट रूट जहाँ पर तुम डाउन हिल ही जाते रहते हो। ओहो ट्रेनर्स तो वैसे काफ़ी सारे बचे हुए हैं, बट ये पोकेबॉल कैसे लेते थे यार, नहीं ले सकते थे क्या? ओके पता नहीं कैसे, पर मैं बच गया भाई उन दोनों से।
बाद में जाके देखूंगा उन लोग को मैं। ओके हम आ चुके हैं रूट 206 पे। नाइस, थोड़ी बेरीज वगैरह चुरा ली जाएं। अरे ये है वो रास्ता जहाँ से हम ऊपर आ सकते थे गाइस, मतलब एक तरह से हम सही जगह पे आए हैं यार, इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। बस हाँ इन लोगों से लड़ना पड़ेगा अलग से, वो बात अलग है। ओ माई गॉड आई एम सो सॉरी यार, आई वॉज इन फास्ट फॉरवर्ड मोड, आई डोंट नो वाई आई डिड दैट बट सॉरी यार, मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में था जिससे बैटल जल्दी खत्म हो जाए। बट ओके दैट इज़ गुड दैट आर टीलो फाइनली वॉर्ड इन टू स्वेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। अब हमारी टीलो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है गाइस। चलो यार मैं जल्दी से बस जाने ही वाला था यहाँ पे दूसरी सिटी में, और मेरे को एक तो अपना स्किप लूम जो है उसको मुझे रख के आना यार पीसी में, और मुझे अपने पोके थोड़े हील करने थे। वैसे हमने पीछे वाला जो रास्ता था ना वो सही से देखा नहीं यार, वहाँ पे पता है हम लोग अच्छे अच्छे पोकेमॉन ढूंढ सकते थे। अरे यार गियर बदलना पड़ेगा, ये बात नाइस। तो यहाँ पर हाँ पेड़ों को काट के जाते थे, ये जो बुशेस लगी हुई हैं इनको जब हम कट करते हैं तो पीछे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो पोकेबॉल वगैरह जो थी वो भी तो वहीं पे मिलती है ना। तो ज़रा देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पर, लेट्स सी। ओह माय गुडनेस, ओके आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दैट, आई मीन अ लेजेंडरी पोकन, क्योंकि हमें काफ़ी सारे मिल रहे थे। ओ माई गुडनेस बट इट इज़ ग्राउड ऑन ब्रो, मैं एक से ज़्यादा लेजेंडरी पोकन यूज़ नहीं कर सकता अपनी पार्टी में, बट आई स्टिल थिंक दैट आई शुड कैच दिस थिंग जिससे बाद में इसको यूज़ कर पाऊँ। बट मैं क्या यूज़ करूँ इस पर, गस्ट में भी, पर गस्ट से मर ना जाए यार, ये बस दिक्कत वही है। मे बी ही कैन डाई, ओके ही डिंट विच इज़ गुड, ओके फाइन। तो इसको थोड़ा मारना पड़ेगा हमें, उसका देखते हैं क्या इसे हम पकड़ पाएंगे कि नहीं। अगर मैंने पोकल बाई की हूँ तो यार, क्योंकि मेरी म्यूटू पर काफ़ी सारी पोकल ख़राब हो गई थी ना, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ। चलो ए वाले गस्ट से मरे ना बस, ये किसकी हेल्थ काफ़ी कम है, प्लीज़ नो। ओके वेल दैट वॉज बैड, क्रिटिकल हिट यार, क्यों भाई सीकिंग मिल रहा है। हमारे पास वाटर टाइप है क्या, आई डोंट थिंक हमारे पास एक वाटर टाइप पोकन है, और हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पर यार ये वाला तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, सीकिंग इज़ नॉट दैट ग्रेट यार, आई एम नॉट गन यूज़ इट। चॉपल बेरी क्या होती है भाई, पहली बार सुन रहा हूँ मैं ऐसी चीज़ का नाम। ओके देयर इज़ अ ग्राउड ऑन अगेन, इस बार पर मेरे पास स्वेलो है सामने, सो होपफुली या ही वोंट डाई, डोंट वरी एट ऑल। मैं भी पैक ही करूँ या फिर मैं विंग अटैक ट्राई करूँ, विंग अटैक ट्राई कर सकते हैं एक बार, अगर क्रिटिकल हिट ना हो तो। प्लीज़ नो क्रिटिकल हिट्स प्लीज़, ओके फाइन। तो हम लोग एक और ये वाला करते हैं, फिर पैक यूज़ करते हैं और देखते हैं यार इसको हम पकड़ते हैं आज। एक लेजेंडरी पोकन हर रूट पर मिल जाए तो भाई क्या ही मज़े ही आ जाएंगे यार। एक्चुअली ऐसा हो रहा है पता है, स्टार्टिंग से ही हर रूट पर हमें एक लेजेंडरी तो मिल रहा है, पता नहीं ऐसे को मैं सेटिंग तो नहीं की थी पर मिल रहा है, क्या कर सकते हैं। प्लीज डोंट आए, ओके फाइन बच गए भाई, बुरा बच्चे, पर मेरा शायद स्वेलो ना बच पाए। नो ओके आई न्यू इट ब्रो, वेरी सैड, सो सैड, वेरी बैड। मैं एक काम करता हूँ, किसी स्ट्रॉन्ग पोकन को निकालता हूँ, क्योंकि ये बहुत फटके मारने वाला है पकड़ में आने से पहले, क्योंकि ऑफकोर्स भाई इनको पकड़ने में इतना टाइम लगता है। चेरिश बॉल, ओके वी जस्ट गॉट दिस बॉल, अ क्वाइट रेयर पोकेबॉल दैट हैज बीन स्पेशली क्राफ्टेड टू कमेमोरेट एन ओकेजन ऑफ सम सॉर्ट। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, क्या पता इसी में आ जाए, लाल कलर की बॉल में लाल कलर का पोकेमॉन तो कितना मस्त लगेगा। ऑफकोर्स नॉट, वाई ही डजंट लाइक रेड कलर आई गेस, मे बी अ प्रीमियर बॉल, मे बी लेट्स सी, क्या पता पसंद हो इसको प्रीमियर बॉल्स। ऑफकोर्स नॉट भाई, लेजेंडरीज पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है, अगर हमें मिल रहा है राउट पे तो ज़रूरी नहीं है कि पकड़ में आई जाए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम इन द पोके बॉल। पता नहीं कैसे ही हमने आर्टिकुनो पकड़ा यार, मतलब बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया होगा ज़रूर, मेरे को याद नहीं है पर हाँ। नहीं भाई ये तो एक भी बार नहीं हिल रही यार पोके बॉल इसके साथ, तो एक भी बार नहीं हिल रही है। मैं चलो एक और बार ट्राई करूँगा, वरना मेरे हमेशा पैसे वेस्ट हो जाते हैं लोगों पे और पकड़ में ये लोग आते नहीं हैं। ओह माय गुडनेस, हमें माइलोटिक मिली है, मैंने यार कभी भी माइलोटिक यूज़ नहीं की वैसे यार, तो मे बी वी कैन ट्राई आउट माइलोटिक मे बी, और माइलोटिक पकड़ में भी आ सकती है यार, क्या बात है। चलो एक बार स्टॉम्प करके देखता हूँ इसको मैं, मे बी वी कैन कैच इट, लेट अस सी इफ वी कैन स्टॉम्प बॉय। ओके स्टॉम्प से अच्छी खासी हेल्थ जा रही है, बस यार क्रिटिकल हिट ना हो यार, क्योंकि मैं इतनी देर से यहाँ पे घूम रहा हूँ, मुझे पहली बार यहाँ पे माइलोटिक मिली है, ग्राउडन बल्कि मुझे दो बार दिख गया था, तो आई गेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसको पकड़ना गाइस, एंड दैट्स द रीज़न वाई मैं अभी से पोकल फेंक के देखने वाला हूँ एक बार, और देखते हैं इससे पकड़ में आ पाती है कि नहीं आ पाती। अगर नहीं पकड़ में आई तो मुझे कुछ अपना वीक पोकर निकालना पड़ेगा जिसमें इसको एक दो हिट मार पाऊँ, बट
गॉड प्लीज, अरे नहीं यार, आई गेस स्वेलो का जो पेक अटैक है वो इसको नहीं मार पाता, बट अभी यार वो फेंटेड है। लेट्स सी, अगर मेरे पास रिवाइव पड़ा हो ना, रिवाइव तो मेरे पास नहीं पड़ा यार, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई भाई। एक सेकेंड, क्या मैं अम्ब्रियन को यूज़ कर सकता हूँ? इसका क्विक अटैक है पर वो मार सकता है माइलोटिक को। आई एम लाइक प्रिटी श्योर दैट इट कैन किल माइलोटिक। सो मैं एक और बार पोकल फेंकने का ट्राई करने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं यार कुछ करेंगे तो देखते हैं। ये स्टॉम्प से तो भाई पक्का मरेगा, स्टॉम्प से तो भाई पक्का मरने वाला ही है। चलो यार, आई हैव टू रिस्क इट यार, आई हैव टू जस्ट रिस्क इट। मैंने फ्यूरी अटैक ट्राई किया है, आई जस्ट होप फ्यूरी अटैक यार बस दो बार या एक बार काम करे, जिससे हम इतनी मुश्किल में ना पड़े और ये मर ना जाए, प्लीज़। ओके, फ्यूरी अटैक वैसे काम नहीं कर पाया क्योंकि ये मर गया पहले। वाओ, दैट वाज ऑसम। अरे यार, बहुत ही गलत हो रहा है भाई हमारे साथ यार, बहुत ही गलत हो रहा है यार। क्विक अटैक से मरेगी यार ये, मेरे को लग रहा है क्विक अटैक से मरेगी है। ओ नाइस, ओके ओके ओके, नहीं मरी, असल में नहीं मरी यार क्विक अटैक से। कितने अच्छे अटैक्स हैं यार इसके पास, ट्विस्टर पड़ा हुआ है यार। आई जस्ट होप वी कैन कैच इट। हमारे पास तीन ही पोकल्स बची हुई हैं, प्लीज बॉय, प्लीज बॉय, दिस कैन बी आर फर्स्ट माइलोटिक कैच प्लीज। एंड अरे यार, एंड दिस इज माई लास्ट पोकल गाइस, अगर इससे कुछ नहीं हो पाया तो कुछ नहीं कर सकते भाई फिर। ओ ब्रो, ओके, क्या बात है भाई, आखिरकार हम लोग ने माइलोटिक पकड़ ली, वो भी हमारी लास्ट पोकेबॉल से। वेल दैट वॉज अमेजिंग, दैट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो हमारे पास लास्ट पोकल बची थी नेट बॉल थी, वो उससे मेरे को लगता है हायर चांस था इसको पकड़ने का, बट स्टिल यार आई ऑप्टेड फॉर द पोके बॉल। ठीक है, वो कभी स्पेशल ओकेजन के लिए रहेगा, जब कोई हमारे पास लेजेंडरी आएगा ना तब देखेंगे। माइलोटिक को निकनेम देने की जरूरत पड़ेगी क्या? आई डोंट थिंक सो, नो, माइलोटिक इज अ प्रीटी गुड नेम। माइलोटिक मैं पहली बार ट्राई आउट करने वाला हूँ, और अभी जस्ट हम लोग बोल ही रहे थे वैसे सीकिंग को देख के कि यार इससे अच्छा वाटर टाइप मिल सकता है, और हमें मिल गया, क्या बात है भाई। आई गेस गाइस दैट इज अ प्रीटी गुड एंड टू दिस एपिसोड। हम लोग की अब बहुत ही अच्छी टीम बन पाएगी। माइलोटिक मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ, तो एक बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा मेरा कि माइलोटिक कैसी है। हालांकि लोग बहुत यूज़ करते हैं उसको, सो मे बी अच्छी होनी चाहिए, बट स्टिल वी आर गोना ट्राई दैट। एंड गाइस थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।